नमस्कार दोस्तों तो अगेन आपके सामने एक बार फिर से मैं हाज़िर हूँ एक अनदर एपिसोड के साथ इस बार है नंबर सिक्स एंड नंबर सिक्स आपके जीवन में धन दौलत ऐश्वर्य लाता है सो so, आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे होते हैं नंबर छः के लोग क्या वाट आर द कैरेटर एंड व्हाट आर द सक्सेस टिक फॉर देम इन ऑर्डर टू बी मोर सक्सेसफुल इन लाइफ वॉच आउट वीडियो वेलकम बैक फ्रेंड्स तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे नंबर 6 के के बारे में नंबर 6 जो रूल होता है शुक्र के द्वारा शुक्र यानी वीनस और शुक्र आपके जीवन में धन ऐश्वर्य ग्लैमर के कारक होते हैं कैसे होते हैं वो लोग किस प्रोफेशन में जनरली वो लोग लो होते हैं क्या कंपैटिबिलिटी होती है उनकी और नंबरों के साथ और क्या रेमेडी सक्सेस स्टेप उनको अपनानी चाहिए इन ऑर्डर टू बी मोर सक्सेसफुल इन लाइफ एंड बिफोर दैट वी वुड वो नो कि कौन सी फेमस पर्सनैलिटीज हुई हैं जो रूल हुई हैं नंबर छ के द्वारा सो फेमस पर्सनैलिटीज की अगर हम बात करें तो रोनाल्ड रीगन क्वीन विक्टोरिया और बॉलीवुड से अगर हम बात करें तो माधुरी दीक्षित रणवीर सिंह संजय लीला बंशाली और सुभाष घई सो so, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ फिफ्टीन को, को या ट्वेंटी फोर्थ को हुआ है किसी महीने में तो आप रूल होते हैं नंबर सिक्स के द्वारा यानी कि आपका बर्थ नंबर आता है नंबर सिक्स बर्थ नंबर यानी ड्राइवर नंबर और अगर आपका डेस्टिनी नंबर यानी कंडक्टर नंबर भी सिक्स आता है तो अगेन यू आर रूल्ड बाई नंबर सिक्स तो कैसे होते हैं वो लोग वॉट आर दैसटिक सो so, ऐसे लोगों के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत करिस्मेटिक होते हैं बहुत मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होती है काफ़ी चार्मिंग होते हैं ये लोग काफ़ी वेल ग्रूम्ड अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के धनी होते हैं और अक्सर लाइफ में इनकी लग्जरीज होती हैं इनको ब्रांडेड आइटम्स पसंद होते हैं और अगर व्यवहार के बारे में हम बात करें तो ये लोग मैनिपुलेटिव भी आप बोल सकते हो यार ये एक बेहतरीन एक बेहतर शब्दों में आप बोल सकते हो काफी डिप्लोमेटिक होते हैं ऐसे लोग किस तरह से कैसे अपना काम करवाना है ये लोगों को अच्छी तरह से आता है फ्रेंडली होते हैं काफी सोशल भी होते हैं और ऐसे लोगों में आप देखोगे काफी ज्ञान होता है क्योंकि ये नंबर छः दानव गुरु का नंबर है तो ज्ञान तो होगा तो काफ़ी ज्ञानी होते हैं नॉलेज होता है इन लोगों के पास क्रिएटिव होते हैं काफी हार्मोनी पसंद पीस पसंद होते हैं और ऐसे लोग अपने फैमिली और घर को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं उनके लिए उनका घर और फैमिली काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि और किसी चीज के बनस्पत इफ यू टॉक अबाउट द लव लाइफ दे आर समाइम और ऑफन दे आर अंडरस्टूड एज फ्लट दे लुक फॉर लव एंड बट दे आर वेरी डिवोटेड टू द पार्टनर्स आल्सो दे आर वेरी अट्रैक्टेड विद दर क्लोज्ड वन अपने दोस्तों के साथ काफ़ी अटैच्ड रहते हैं घूमना फिरना काफ़ी पसंद होता है खाने के भी शौकीन होते हैं और ये लोग अक्सर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं अगर घर के मध्य में देखा जाए कि अगर घर में किसी को कोई सी समस्या से अगर ग्रसित है कोई तो लोग इनको देखते हैं कि ये उस को, उनको कैसे उससे बाहर निकालते हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन दे एंड जैसा छह का नंबर है छ आपके जीवन में ऐश्वर्य देता है धन देता है दौलत देता है तो अक्सर ऐसे लोगों में आप देखोगे कि इनको जरूरत के सारे सामान उनके पास रहते हैं उनकी जरूरत के सारे सामान मुहैया रहते हैं इनको हाई एंड चीजें काफी पसंद हैं ब्रांडेड चीज़ें जैसे ब्रांडेड चीज़ें पसंद हैं काफ़ी हाई एंड चीज़ें पसंद हैं और इनका चीज़ों के प्रति काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है तो उनको बेहतरीन चीज़ें चाहिए अच्छी से अच्छी चीज़ें चाहिए हाई एंड चीज़ें चाहिए एंड काफ़ी इमोशनल भी होते हैं ये लोग नोबल भी होते हैं और इनको काफ़ी अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है दे नीड लव दे सीक लव दे डोंट वॉन्ट टू हर्ट एनी they are not very blunt and upfront to somebody you know to hurt them they give a uh, and apne relationship mein bhi ye kafi dete hai dusron ko and uh, often they are found as a great orator also अगर हम negative aspect की बात करें तो ये लोग uh, as I said कि अपने काम को किस प्रकार से करा सकते हैं ये इनके अंदर गुड़ बखूबी होता है सो so, उसका जो नेगेटिव एस्पेक्ट होता है आप अगर नेगेटिव एंगल को देखो तो दे कैन आल्सो बी टर्म ड्रूड दे कैन बी ड्रिवन बाय गिल्टी टाइम बिकॉज ये लोग अपने को काफ़ी देने में विश्वास रखते हैं लोगों को खुश रखना की कोशिश करते हैं एंड जब नहीं कर पाते हैं दे ऑफन फील गिल्टी फॉर दैट लाइफ में रिलेशनशिप में कई बार इनको धोखे भी मिलते हैं एंड एज ए सेट ये काम निकलवाने में काफ़ी उस्ताद होते हैं बट इवन दे कैन बी मैनिपुलेटेड कई बार लोगों पर जरूरत से ज़्यादा यकीन कर लेते हैं जो नुकसान पहुँचा सकती है इनको ओवरली सेंसल होते हैं दे गेट इन टू ओवर फिजिकल प्लेजर ऑल्सो दे मेक दे मे इमोशनली ब्लैकमेल समाइम ऐसा भी देखा गया है बिकॉज इमोशनली काफ़ी कनेक्टेड रहते हैं ये लोग समाइम अपने जो बात है जिसको उनको अपने पुट अप करना चाहिए उसको आप प्रॉपरली पुट अप नहीं कर पाते हैं तो आप बोल सकते हो कि कई बार वो भीरू भी होते हैं यानी टिमिट भी बोल सकते हो आप उनको इनडिसिव होते हैं कई जगह पर देखा गया है कि फैसले नहीं ले पाते हैं एंड uh, खर्च करने की आदत थोड़ी ज़्यादा हो सकती है इन लोगों में तो वॉट आई टोल्ड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक इट मे नॉट मैच हंड्रेड परसेंट टू यू इट ऑल डिपेंड कि सिक्स नंबर कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है अगर स्ट्रांग है तो आपके इसके ऑन्ट्रीब्यूट ज़्यादा देखने को मिलेंगे और पर्सन इज नॉट ओनली रूल्ड बाय हिज बर्थ नंबर इज ऑल्सो रूल्ड बाय हिज डेस्टिनी नंबर तो अगर आपका डेस्टिनी नंबर या दूसरा नंबर अगर बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर दूसरा है तो उसका भी इन्फ्लुएंस होता है आदमी के लाइफ पे तो अब हम बात करेंगे उनके प्रोफेशन के बारे में किस प्रोफेशन में जनरली ये लोग होते हैं या किस प्रोफेशन के गुण इनके अंदर होते हैं तो जैसा मैंने बताया कि नंबर छः की कैरेक्टरिस्टिक है तो उसी से मैचिंग इन ये इनके प्रोफेशन होते हैं ये लोग मीडिया में एक्टर हो सकते हैं डायरेक्टर हो सकते हैं सिंगर हो सकते हैं म्यूजिशियन हो सकते हैं और ग्लैमर इंडस्ट्री से इनका खास नाता होता है अच्छे डिज़ाइनर होते हैं डिजाइनर में भी कई फील्ड हैं इंटीरियर डिज़ाइनर हो सकते हैं ड्रेस डिज़ाइनर हो सकते हैं ज्वेलरी डिज़ाइनर हो सकते हैं इनके ब्यूटी पार्लर हो सकते हैं सैलून्स हो सकते हैं एंड दे कैन बी इनटू सर्विस इंडस्ट्री आल्सो। सर्विस इंडस्ट्री यानी कि डॉक्टर्स हो सकते हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हो सकते हैं कैसिनो में भी ये लोग हो सकते हैं टीचर्स हो सकते हैं गाइड हो सकते हैं साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं और एक और जो फील्ड है एज आई सेड कि ये छः नंबर है ऐश्वर्य का धन का दौलत का सो so, ऐसे लोग ज्वेलरी जेम्स रिलेटेड काम में भी सक्सेसफुल होते हैं ट्रेवल और टूरिज्म, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में सक्सेसफुल पाए गए हैं लोग डिस्कोथेक बार हाई एंड रेस्टोरेंट में भी

और जो नंबर इनके एंटी जाते हैं वो है नंबर तीन तीन के साथ इनकी नहीं निपटती है सो so, क्या रेमेडीज़ क्या सक्सेस टिप्स है ऐसे लोगों को जो अपनानी चाहिए इन ऑट बी मोर सक्सेसफुल इन लाइफ वाइट और लाइट शेड इनको ज्यादा सूट करता है और ऐसे लोगों को दान देना चाहिए सफेद चीजों का जैसे दूध है खीर है दही है सफेद मिठाई है किसी भिखारी को दे सकते हो आप डिसेबल्ड को दे सकते हो आप अनाथ आश्रम में डोनेशन कर सकते हो आप एंड दे नीड टू रिस्पेक्ट एल्डरली लेडीज वेर इन रिलेशंस उनकी माताएं हो सकती हैं उनकी बहनें हो सकती हैं रिलेटिव्स हो सकती हैं या नेबर भी हो सकती हैं और अगर ऐसे लोग का सिक्स यानी वीनेस कमज़ोर है दे कैन वेयर गोल्डन कलर मेटल स्ट्रैप की घड़ी तो पहन सकते हैं घड़ी क्यों क्योंकि गोल्डन कलर सिक्स को इन्हेंस करता है और घड़ी उसको और एनर्जाइज करती है क्योंकि उसको कंटिन्यूस टिक 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 की आवाज है या जो उसका चलने का जो एलिमेंट है उसको मेटल को मेटल को भी इन्हांस करती है उसके मेटल एलिमेंट को भी इन्हांस करता है आपका गोल्डन मेटल स्ट्रैप और गोल्डन कलर भी इनहसमेंट देता है और जो उसकी एज ए सैट जो उसकी चलने की जो लाइफ एलिमेंट है वो भी इसको इन्हेंस करती है आप अपने घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में गोल्डन कलर का विंड चाइम लगा सकते हो कोशिश करो कि ये आपके छः रॉड छः मेटल रॉड के हों और अगर 11 इंच के अराउंड उनके रॉड की लेंथ है तो बेस्ट है कोशिश करिए कि आप ये कम से कम चार नंबर से चार नंबर से ज़्यादा के मेटल रॉड्स हों बेस्ट है कि अगर आप छः के रॉड छः नंबर के रॉड्स हो तो और इस प्रकार से लगाइए कि वो उसमें थोड़ा बहुत मूवमेंट जरूर होता रहे मे बी हवा से खिड़की की हवा से या पंखे की हवा से उसमें मूवमेंट होता रहे ताकि आपको टिंगलिंग नॉइज आनी चाहिए टिंगलिंग साउंड राधा घर में आनी चाहिए मेडिटेशन भी ऐसे लोगों को काफ़ी हेल्प करता है एंड दे नीड टू कम आउट ऑफ द इनडिस बिहेवियर फैसले लेने की आदत उनको डालनी चाहिए बीच में लटक जाए ऐसा करूँ ऐसा करूँ के चक्कर में कुछ भी ना करो वो नहीं होना चाहिए एंड दे नीड टू बिलीव इन दम सेल्फ अपने पे यकीन करना चाहिए अपने को जो जो डाउट है अपने बारे में उसको हटाइए यू कैन रिलाई ऑन योर सेल्फ रिलई ऑन योर सेल्फ बिलीव इन योर सेल्फ सो so, दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड आपके लिए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव होगा सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिफोर यू लीव एंड लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ लेट मी नो योर व्यूज़ इन द कमेंट बॉक्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट थैंक यू